Next question. Question says initially two stable particles x and y starts moving towards each other uh, under mutual attraction. If at uh, one time the velocities of x and y are v and 2v respectively, so what will be the velocity of center of mass of the system? Now yap particle x, ye aapka particle y. X or y. Uh, दोनों के ऊपर आपका एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो है इसका मतलब हो गया आपका ए नेट जो है वो ज़ीरो होएगा यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है यानी कि नेट एक्सटर्नल एक्सलेशन जीरो होएगा विच इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट uh, रहेगी इसका मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टिकल आपके पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग तो इसका मतलब है कि पहले अगर आपके दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे तो आपका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो फिक्स रहेगा वो मूव नहीं करेगा उसके बाद जब इन्होंने मूव करना चालू किया और लेटेस्ट से यह आपका सेंटर ऑफ मास है तो ये पार्टिकल आपका V से आ रहा है ये पार्टिकल आपका मान लो 2V से आ रहा है सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है जो आपकी शुरू में अगर कांस्टेंट यानी कि इस केस में आपकी वैल्यू जीरो थी तो इस मूवमेंट के बाद भी जब ये फ्री हो गए टू मूव वो भी आपका जीरो ही रहेगा हेंस जीरो वुड बी द राइट आंसर